अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल बी अ वोकैबुलेरियन। आज की हमारी वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो कि हम जब खेल रहे होते हैं, ये बच्चों के लिए, ठीक है, जब आप बच्चों के साथ खेलें या बच्चे खेल रहे हों तो उनको ऐसे सेंटेंसेस बोलने चाहिए। देखिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप लर्न करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल पर आपको डेली डिफरेंट टॉपिक पे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे और रोज़ाना अपलोड करती है हमारी टीम आपके लिए वीडियो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलो खेल खेलें, लेट्स प्ले अ गेम। अब जो भी गेम आपने खेल लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स प्ले हॉकी, ठीक है। आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं? अगर आपने अपने फ्रेंड से पूछना है तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले? क्या आप मेरी टीम में शामिल होना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी ऑन माय टीम? डू यू वांट टू बी ऑन माय टीम? बताओ कि पहले कौन शुरू करे? Let's toss a coin to decide who goes first. ठीक है, आप पहले जाएं, you go first. किसी भी गेम में अगर पहले बारी में आपने किसी को भेजना है तो आप कहेंगे you go first. मेरी बारी है, it's my turn. जब भी आपने एक आउट हुआ है तो अगली बारी में जिसकी भी होगी वो बोलेगा इट्स माय टर्न, ठीक है, मेरी बारी है। आपकी बारी है, योर टर्न। अगर आपने अपनी बारी कर ली है, अगले बंदे को बारी देनी है तो आपने क्या कहना है? योर टर्न। नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। मैं जीत गया, आई विन। आई विन, मैं जीत गया। Win, won, won, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बताइए। आप जीत गए, यू विन। यू विन, आप जीत गए। आई मैं के लिए इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, और यू तुम के लिए, यानी किसी को शार्तन आप बात कर रहे हैं, यू विन। हम बराबर खेल कर रह गए, वी टायर्ड। अक्सर क्या होता है कि दोनों टीम्स के इक्वल इक्वल स्कोर होते हैं तो उस टाइम पे हम इंग्लिश में क्या सेंटेंस बोलेंगे? The team is tie. अच्छा काम किया, good job. ये तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी ने अच्छा काम किया, आपको किसी का काम पसंद आ गया तो आप उसको कहेंगे good job. ये बहुत करीब था, that was close. ठीक है, that was close. ये बहुत करीब था। एक बार फिर, वन मोर टाइम। एक बार फिर, वन मोर टाइम। मैं हार मानता हूं, आई फॉरफेट। आई फॉरफेट, हार मानने को क्या कहते हैं? फॉरफेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आई फॉरफेट। क्या हम आराम कर सकते हैं? Can we take a break? जब आप बहुत ज़्यादा थक जाएं तो आराम के लिए हम क्या बोलेंगे? Can we take a break? कल दोबारा खेलें, Let's play again tomorrow. आने वाले दिन को हम कहते हैं tomorrow. जो दिन गुजर जाए yesterday और जो present है वो today. क्या नतीजा है? What's the score? What's द स्कोर या व्हाट इज द स्कोर, इज भी पढ़ सकते हैं आप इसको, वर्ड्स यानी कंबाइन करके भी बोल सकते हैं। हम जीत रहे हैं, वी आर विनिंग। वी आर विनिंग, अपोस्ट्रोफी लगा के आर ई कर दिया तो इट्स मीन ये आर है, ए आर ई। हम हार रहे हैं, वी आर लूजिंग। अगर होता हम हार रहे थे, ठीक है, तो फिर वी वर लूजिंग, वर आएगा। अब सेंटेंस से देख लेना आपने, ये बराबर खेल है, इट्स अ टाई गेम। इट्स अ टाई गेम,
सेंटेंसेस को भी देख लिया करें और नेक्स्ट हमारे आने वाली वीडियोस को भी देखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. तो ऑडियंस, मैंने आपसे कहना था कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रही है या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप उसे कॉमेंट करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस्ड.